हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और अपन अब जा रहे हैं एक नई गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। कौन सी गाड़ी ले रहे हैं ये तो आप पता चल जाएगा आपको व्लॉग जब देखोगे पूरा। यहाँ से जो शोरूम जा रहे हैं काफ़ी दूर है, एक्चुअली 15 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से जाएंगे ब्रीजा में और देखते हैं कौन सी गाड़ी लेके आते हैं। सिटी के ट्रैफिक में कड़ी मशक्कत करने के बाद 1.5 घंटे के बाद अपन पहुँच चुके हैं टाटा के शोरूम। अब भाई टाटा के शोरूम आ गए तो टाटा की गाड़ी ले रहे हैं हम लोग, ये तो क्लियर है। लेकिन कौन सी ले रहे हैं वो पता चल जाएगा आपको। टाटा नेक्सॉन, हैरियर, पंच, अल्ट्रोस या इलेक्ट्रिक, अब गैस करो आप भाई। थोड़ा बहुत पेपर वर्क बाकी है, साइन वगैरह करना है, वो कर लेते हैं और फिर पता चल जाएगा भाई आपको। फिर घूंघट उठाते हैं दुल्हन का। एक्चुअली जो गाड़ी हम लोग ले रहे हैं, जिसकी डिलीवरी हम लोग लेने आए, उसका वेटिंग पीरियड 3-4 महीने दिखा रहा था। बहुत सारे शोरूम में देखा, कॉनकॉर्ड मोटर्स में जो डम्बलूर में है और बहुत सारे शोरूम में देखा, बहुत सारा वेटिंग पीरियड था, मतलब 3 महीने 2 महीने के ऊपर दिखा रहा था। लेकिन ये जो शोरूम है KHT करके डम्बलूर में, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग जल्दी पेमेंट कर दो, आप 5 दिन के अंदर अंदर गाड़ी दे देंगे। जैसे ही पेमेंट होता है 5 दिन के अंदर अंदर गाड़ी दे देंगे। तो भाई उन्होंने बात पे ना टिके रहे, जो उन्होंने बोला था वही कर रहे हैं। बहुत समय पे गाड़ी दे रहे हैं यार, एकदम जल्दी फटाफट। दूसरे शोरूम में पता नहीं क्यों वेटिंग पीरियड था, यहाँ पे तो जल्दी मिल गया भाई हमको। मतलब चाय क्या 6:30 के बाद बंद हो जाता है क्या? बनाने वाले चले जाते क्लीन करके, और है ना, कस्टमर आ गया तो नया लेने के लिए, हम तो दे दिया है पैसा, खत्म हो गया बात। नहीं ऐसा नहीं, 6:30 बजे तक बस कर दे। वो तो पैसा दे दिया था, अब कुछ नहीं है, अब लेके जाओ। क्योंकि मैं ऑर्डर करके आ जाता, डिलीवरी वाले दिन कस्टमर को खुश करके भेजना है आपको। भाई ये खड़ी दुल्हन घूंघट में, ये है अपनी गाड़ी, अब इसकी ना डिलीवरी लेने वाले हैं। अब कौन सी गाड़ी है थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, तब तक आप कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी गाड़ी है भाई, देखने में कैसी लग रही है आपको घूंघट के अंदर भाई दुल्हन। इंतजार की घड़ी ना ख़त्म ही नहीं हो रही है, कब से ना एक अपने दोस्त का वेट कर रहे हैं, वो भाई आने में बहुत टाइम लगा रहे हैं भाई, काफ़ी टाइम हो गया उनका वेट करते हुए। गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, हम लोग वेट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1/2 घंटा हो गया है। अब यहाँ पे नज़दीक में ही है, आने वाले हैं, लेकिन अब कब आएंगे मिल नहीं रहे, उनको टाटा का शोरूम नहीं मिल रहा है भाई। चलो भाई अब 5-7 मिनट की ना बात है, उसके बाद आपको दिखाते हैं गाड़ी कौन सी हम ले रहे हैं डिलीवरी। तब तक हम अपने दोस्त को ढूंढते हैं, पता नहीं भाई कब तक आएंगे। मेरे को तो ना अब वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब गाड़ी की डिलीवरी लेनी है ना तो वेट होता नहीं है भाई किसी से भी। एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, वापस जाते जाते ना 1-1.5 घंटा लगेगा घर पहुंचने में, 2-1.5 घंटा लगेगा। वो खड़ी भाई अपनी ब्रीजा, उसको तो छोड़ दिया है, इसका वेट कर रहे हैं कब तक आएंगे दोस्त, फिर लेना है ना डिलीवरी। हम लोग तो पहुंच गए थे 6:30 को और अब ऑलमोस्ट 7:30 के ऊपर हो रहा है, लेकिन भैया नहीं आए अपने वाले। टाटा आजकल ना ब्लैक कलर में ना मज़ा ले रहा है भाई, ज़बरदस्त डार्क एडिशन जो निकाल रहा है ना, जैसे कि नेक्सॉन हो चाहे टाटा सफारी हो, गजब बल्कि गाड़ी लग रही है भाई। डार्क एडिशन में ना नंबर ले रहा है टाटा डार्क एडिशन। पहले नॉर्मल गाड़ी निकालता है, फिर उसके बाद में एक वर्सन निकालता है डार्क एडिशन अलग से, जैसे कि गाड़ी नहीं हो लेकिन वही गाड़ी डार्क एडिशन में निकालता है। ज़बरदस्त लगती है भाई ब्लैक कलर में ना टाटा सफारी, ज़बरदस्त बल्कि लग रही है भाई। लेकिन अपन का वेट ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्त अभी तक आए नहीं है गाड़ी की डिलीवरी लेना है यार, कब से वहाँ पे खड़ी है दुल्हन घूंघट में, घूंघट उठाना है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये रही भाई दुल्हन, अभी इस कलर में है ईवी टाटा टियागो, उठा दिया है घूंघट। बहुत टाइम से वेट कराया भाई गाड़ी ने, लेकिन आखिरकार घूंघट उठा दिया है। आजकल ये सिस्टम ज्यादा है, एक घूंघट उठाने वाला और एक की देने वाला, सब जगह है। टाटा वाले तो कैग भी लेके आए भाई, कलर थोड़ा डिफरेंट है, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताओ। केक भी कट करवा देते हैं भाई टाटा वाले तो।
भाई ये कलर थोड़ा डिफरेंट है लेकिन गजब का कलर है भाई, मस्त वाला कलर है भाई। ऊपर रूफ भी ब्लैक है ना, ईवी के अंदर भी रूफ ब्लैक है। अलॉय व्हील्स नहीं है लेकिन ऐसे ही दिख रहे हैं कि अलॉय व्हील्स है भाई। देख के चलो भाई, नया गाड़ी है। बोलो श्री भोले शंकर की जय, जय बोलो श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। गैर है नहीं भाई, गैर मत डालो, बस चलते रहो, बस ईवी में ऐसा ही सिस्टम है भाई। बिल्कुल ऑटोमेटिक गाड़ी है, गियर लगाने का जरूरत नहीं है भाई, ऑटोमेटिक। लेकिन नया गाड़ी रहता है ना थोड़ा थोड़ा भाई ऐसा रहता है, सीट बेल्ट वगैरह डाल दो भाई। डमलूर में केएसटी टाटा, ये डमलूर राइट लिया तो हाँ, ये राइट लेते ही वो फ्लाईओवर आता ना उसके नीचे जाके राइट लेते ही राइट साइड में, राइट में तो कोरमंगला रोड, हाँ कोरमंगला रोड पे 8 किलोमीटर है बस भाई। अंकल को गाड़ी पसंद आ गया यार, और कलर भी, क्योंकि कलर ये थोड़ा अलग है तो अंकल को पसंद आ गया। अंकल को मिल नहीं रहा है, अंकल भी गाड़ी शायद बुक की है मेरे को लग रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है तो ऑटोमेटिक में। हाँ लेकिन भाई थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ऑटोमेटिक में, जो मैनुअल लगातार चलाता है उसको ना ऑटोमेटिक सुपर है, गाड़ी बढ़िया है, चना के दे सुपर आगे दे। अंकल को नहीं मिल रहा है भाई गाड़ी, वो ट्राई कर रहे हैं, उनको यहाँ पे जल्दी मिल गया हमको। बाकी शोरूम में ना 3-4 महीने का वेटिंग पीरियड है, और आजकल ना पूरा दुनिया ना इलेक्ट्रिक में मूव हो रहा है, क्योंकि भी चांस मारना पड़ेगा। हाँ यार पैसा बचता है ना बहुत सारा, 200 रुपए में 200 किलोमीटर जाता है तो एक्टिवा में तुम्हारा कितना 300-400 का तो पेट्रोल जाता ही है ना, जाता ही। इसमें 200 रुपए में 200 किलोमीटर हाँ सही है गाड़ी भाई। चलो भाई भगवान जी को लगा दिए यहाँ पे, यही अब ध्यान रखेंगे अपना। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है भाई, अब यहाँ से घर पहुंचने में ना कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। कहाँ से आ जाते हैं यार अभी, राइट में यहाँ से अब लेफ्ट जाना है इनको, पहले पता नहीं था कि लेफ्ट जाना है, पूरा रोड क्रॉस करके लेफ्ट जा रहे हैं, हेलमेट पहना नहीं है ऊपर से, गजब है भाई। दीदी ना अलग ही जोश में चल रही है, बिना हेलमेट रोड को इधर उधर घूम जाओ बस भाई। ये गाड़ी है टाटा की टियागो, इलेक्ट्रिक वर्सन जो आई है 2023 में वो वाली भाई। क्रूज कंट्रोल भी है इस गाड़ी में, ऑडियो कंट्रोल भी है, और ऑटोमेटिक गियर है भाई, न्यूट्रल रिवर्स ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। तो इस तरह से इसका इंटीरियर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेदर सीट्स है, इतना कुछ इस गाड़ी में आता है भाई। यहाँ पे भी थोड़ा ये ऐसा दिख रहा है ना कलर अलग से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। इसका इंटीरियर भी मस्त है, बूट स्पेस भी अच्छा है। चलो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो थम्स अप, टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसी लगी उसको कमेंट करके बताओ। आने वाले दिनों में आपको ब्लॉग्स मिलेंगे उस गाड़ी के रिलेटेड, कैसी परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ कितना रेंज है, एक्चुअल में कितना रेंज है कस्टमर के हिसाब से, वो भी आपको पता चलेगा। चलो बाय अभी के लिए।